न्यू लिकर पॉलिसी या एक्साइज पॉलिसी स्कैम के चलते पिछले एक साल में ईडी ने आम आदमी पार्टी के तीन लीडर्स को अरेस्ट किया, जिसके बाद अब दिल्ली के चीफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया। पर ये पूरा केस है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड द एंटायर न्यू लिकर पॉलिसी इन डिटेल। नवंबर 2021 के अंदर दिल्ली की सरकार न्यू लिकर पॉलिसी लेके आती है। इस पॉलिसी के तीन मेजर ऑब्जेक्टिव थे। पहला कि लिकर यानी शराब की सेल और परचेज में हो रही मेल प्रैक्टिसेस को खत्म करना, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, लिकर माफियाज एंड करप्शन। सेकंड, गवर्नमेंट के रिवेन्यू को इंक्रीज करना। थर्ड, कि लिकर परचेज के एक्सपीरियंस को रेवोल्यूशनाइज करना, कि जिस तरह से ऑलरेडी दिल्ली के अंदर शराब बेची जाती थी ऐसे चुपके से या कोनों के अंदर, उसको चेंज करना, अच्छे शोरूम्स खुलवाना जहाँ एसी लगा हो, वॉक इन फैसिलिटी हो और एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड हो परचेजर को। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट नए रूल्स लेके आती है सेलर्स के लिए, बायर्स के लिए, क्लब्स एंड रेस्टोरेंट्स के लिए, और ये काफी सारे रूल्स हैं। मोटा मोटा अगर हम इन रूल्स को समझे तो हैं कि फर्स्ट, दिल्ली के अंदर टोटल 849 लिकर शॉप्स थी, जिसमें से 475 गवर्नमेंट रन थी और 389 प्राइवेटाइज थी। तो गवर्नमेंट का कहना था कि सरकार का काम तो नहीं है शराब बेचना या शराब का धंधा करना, तो इन 475 गवर्नमेंट रन शॉप्स को हम प्राइवेटाइज करेंगे। सेकंड, लिकर की हर बॉटल पे 25% वैट लगता था और जो सेलर था वो पर बॉटल एक्साइज टैक्स पे करता था गवर्नमेंट को, और इस टैक्स से बचने के लिए जो सेलर था वो सोल्ड ज्यादा करता था और वो दिखाता कम था। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सेलर ने 100 बॉटल्स बेची हैं तो वो शो करते थे कि हमने तो 25 या 50 ही बेची है, ताकि वो टैक्स बचा सके। इसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रिवेन्यू लॉस हो रहा था। तो दिल्ली के सरकार ने ये बोला कि हम इस टैक्स को कम करेंगे और हम लाइसेंस फी बढ़ा देंगे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली को टोटल 32 जोन्स के अंदर डिवाइड किया कि हर जोन के लिए हम एक ओपन बिडिंग प्रोसेस करेंगे लाइसेंस ग्रांट करने के लिए, और लाइसेंस फी को उन्होंने बढ़ा दिया, जो पहले 8 से 10 लाख थी उसको इंक्रीज कर दिया टू 6 टू 7 करोड़, ताकि साल की स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट को सारा पैसा मिल जाए और उसके बाद वो पर बॉटल सिर्फ 1% टैक्स लगाएंगे, ताकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आए कि एक्चुअली के अंदर कितनी लिकर सोल्ड हो रही है। थर्ड, गवर्नमेंट ने कहा कि हम कोई भी नए लाइसेंस ग्रांट नहीं करेंगे, कि जो 849 शॉप्स खुली हुई हैं इन्हीं को हम प्राइवेटाइज करेंगे और लाइसेंस देंगे, कोई नई शॉप्स नहीं खुल सकती इसके अलावा। मोर ओवर, इन 32 जोन के अंदर हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि सारे एरियाज के अंदर एक अच्छी लिकर शॉप हो। इसी के साथ गवर्नमेंट ने लिकर कंजप्शन की एज को कम कर दिया, जो पहले 25 थी उसे 21 कर दिया। दिल्ली के अंदर ड्राई डेज का नंबर रिड्यूस कर दिया। जितने टाइम तक ये पॉलिसी रही, ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने तक, इसकी वजह से गवर्नमेंट को 2000 करोड़ का एक्स्ट्रा रिवेन्यू जनरेट हुआ, जो पिछले पीरियड के अंदर गवर्नमेंट को 7000 करोड़ अर्न हुए थे। तो इस पॉलिसी के आने के बाद गवर्नमेंट को 8900 करोड़ का रिवेन्यू हुआ। तो अगर ये पॉलिसी इतनी ही मास्टर स्ट्रोक थी तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या थी? इसके अंदर मेजर दो प्रॉब्लम्स थी। पहली, इसके रोल आउट की यानी इम्प्लीमेंटेशन की, काफी सारे प्रोविजंस इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाए। सेकंड, लाइसेंस ग्रांटिंग की, जिसके अंदर ये एलिगेशन थे कि कुछ बिजनेसमैन को ये फेवर करती है। अब इसमें गवर्नमेंट से क्या क्या गलतियां हुई? पहली, गवर्नमेंट ने बोला कि कॉम्पिटिशन इंक्रीज करने के लिए आप इसे MRP से कम में भी बेच सकते हो, कि आप इसे 50% डिस्काउंट पे बेचो, बाय वन गेट वन, लाइक डीप डिस्काउंटिंग करो। तो जिसकी वजह से काफी सिटीजन्स इससे नाराज थे कि दिल्ली की सरकार ओपनली शराब को बढ़ावा दे रही है, इसे प्रमोट कर रही है। मोर ओवर, हर सेलर इतने कम प्राइस पे नहीं बेच सकता था, क्योंकि उसके लिए ये इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल नहीं था, जिसकी वजह से काफी सारे सेलर्स ने अपनी दुकानें बंद कर दी। सेकेंड, गवर्नमेंट ने जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, उसके चक्कर में काफी सारे एरिया वाइज रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई, क्योंकि पहले एक हेजिटेशन थी तो लिकर शॉप ज्यादातर रेजिडेंशियल एरियाज के दूर ओपन होती थी। तो अब जो गवर्नमेंट चाहती थी कि हम इसके परचेज के कॉन्सेप्ट को रेवोल्यूशनाइज करें, हाई एंड बनाएं, उसके चक्कर में काफी सारी लिकर शॉप्स रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर खुल गई, स्कूल्स के पास में, हॉस्पिटल्स के पास में, जो कि अनएथिकल था, जिसकी वजह से लोगों ने काफी ज्यादा इसे अपोज किया। इसके अलावा गवर्नमेंट के ऊपर फेवरेटिज्म की भी एलिगेशंस लगे हैं। ईडी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्साइज डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों की 140 करोड़ की लाइसेंस फी को माफ कर दिया कोविड-19 के एक्सक्यूज पे। मोर ओवर, सदर्न इंडिया के अंदर एक लिकर कंपनीज या सो कॉल्ड लिकर माफियाज का एक ग्रुप है, जिसे ईडी ने नाम दिया है सदर्न लॉबी एंड साउथ लॉबी। एंड ईडी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए लिए हैं इस ग्रुप से,
और इसके बदले में उन्हें अलाउ किया है कि वो दिल्ली के अंदर रिटेलर्स को अपनी लिकर सेल कर सकते हैं। इस पूरी पॉलिसी को डिजाइन किया था दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने, जो दिल्ली का एक्साइज पोर्टफोलियो भी संभालती हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले उन्हें ही अरेस्ट किया गया था और मेजर एलिगेशंस भी उन पे थे। नाउ लेट्स सी कि ये सारी चीजें अनफोल्ड कैसे हुई हैं और इसका टाइमलाइन क्या है। सबसे पहले नवंबर 2021 के अंदर दिल्ली की सरकार इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। इसके 8 महीने बाद जुलाई के अंदर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे इस पॉलिसी के अंदर काफी सारे प्रोसीजरल लैप्सेस हैं जो जानबूझ के रखे गए हैं कुछ लोगों को फेवर करने के लिए, जिसके कारण उन लोगों को लाइसेंसेस ग्रांट हुए हैं इस पॉलिसी के अंदर और आम आदमी पार्टी को काफी सारे किकबैक्स मिले हैं और ये सारा पैसा यूज हुआ है आम आदमी पार्टी के गोवा और पंजाब के इलेक्शंस के अंदर। जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना सीबीआई को ये रिपोर्ट फॉरवर्ड करते हैं कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उसी महीने के अंदर मनीष सिसोदिया इस पॉलिसी को वापस ले लेते हैं रिफॉर्म्स करने के लिए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मनीष सिसोदिया के इन यूनिलेटरल और आर्बिट्रेरी डिसीजंस के कारण दिल्ली के एक्सचेकर को 580 करोड़ का घाटा हुआ है। इसके बाद ओवर द मंथ्स टोटल 2 केसेस रजिस्टर होते हैं इस पॉलिसी से रिलेटेड, एक सीबीआई के द्वारा और दूसरा ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सबसे पहले सितंबर 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड विजय नायर को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद मार्च 2023 के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया जाता है और अक्टूबर 2023 के अंदर आम आदमी पार्टी के दूसरे लीडर संजय सिंह को अरेस्ट किया जाता है। और आज से कुछ ही दिन पहले 16 मार्च 2024 को BRS यानी भारत राष्ट्र समिति की लीडर के कविता को ईडी के द्वारा अरेस्ट किया जाता है और ईडी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग के कविता मनीष सिसोदिया संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर ये सारे कॉन्स्पिरेसी प्लान की और इस पॉलिसी के अंदर प्रोसीजरल लैप्सेस रखे ताकि साउथ लॉबी के इन लिकर माफियाज को फेवर किया जा सके। अब तक अरविंद केजरीवाल को सिर्फ समन भेजे जा रहे थे इन्वेस्टिगेशन के लिए एज अ विटनेस, लेकिन के कविता के अरेस्ट के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम आया एज अ कॉन्स्पिरेटर कि वो भी इस प्लानिंग के अंदर शामिल थे। मोर ओवर ईडी की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनके पास में कुछ प्रूफ्स हैं 100 करोड़ के ब्राइब्स के। मोर ओवर वीडियो चैट के प्रूफ हैं कि अरविंद केजरीवाल ने खुद वीडियो कॉल पे बात की है साउथ लॉबी के इन मेंबर से। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद काफी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने भी प्रोटेस्ट किया और उसके 2 मेजर लीडर्स आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है ट्विटर पे कि किस तरह से पुलिस उन्हें ट्रीट कर रही है, कैसे उन्हें लेके जाया जा रहा था प्रोटेस्ट वाले प्लेस से। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज अरविंद केजरीवाल की फैमिली को भी हाउस अरेस्ट में रखा गया है। सोशल मीडिया के ऊपर इसके कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। लोगों का कहना है कि ये बीजेपी के कहने पे ये सब किया गया है और पिछले 2 साल से केस चल रहा था, देन व्हाई नाउ, अभी ही क्यों जब इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट कर रहे हो, एंड इट इज अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि बीजेपी ऑपोजिशन को खत्म करना चाहती है इस कंट्री से। अरविंद केजरीवाल के पुराने टीचर और सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने एक वीडियो में ये बताया कि ये सब अरविंद केजरीवाल की खुद की गलतियों के कारण ही हुआ है। पूरा ऑपोजिशन बीजेपी के और इस सारे इंसिडेंट के अगेंस्ट ट्वीट कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर इंसिडेंट, कि क्या ये बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है या फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सच में 100 करोड़ का घोटाला किया है? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की फॉलोइंग।